ऑलराइट गाइस, आखिरकार आप सबके कमेंट के बाद मुझे फैंग पर स्टोरी बनानी पड़ी। फैंग ने अपना डेब्यू टेकन 5 से किया था, जिसमें टेकन 5, 6, 7 और टेकन टैग 2 शामिल है। इतनी जल्दी डेब्यू करने की वजह से स्टोरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसी कारण वीडियो छोटी है। तो अब शुरू करते हैं। फैंग का पूरा नाम है फैंग बी, बर्थ प्लेस है चाइना, नेशनलिटी है चाइनीज और फाइटिंग स्टाइल है गॉड फाइट स्टाइल चाइनीज मार्शल आर्ट। फैंग ने छोटी सी उम्र में ही अपने मास्टर शिंकेंग के साथ फाइटिंग ट्रेनिंग शुरू की थी, जो मार्शल आर्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट बना और ऐसा स्टूडेंट आज तक वहाँ पर कोई भी नहीं बना था। 20 साल की उम्र में फैंग को उसके मास्टर शिंकेंग ने अपने पावर्स का यूज मार्शल आर्ट को डेवलप करने और अपने जैसी ट्रेनिंग दूसरों को सिखाने को कहा, पर फैंग ने ऐसा करने से मना कर दिया कि तभी शिंकेंग ने इस बात को सुन फैंग को डांट दिया। इसी के चलते फैंग ने एक दिन अपने मास्टर शिंकेंग को मार दिया। कुछ टाइम बाद फैंग ने अपने पावर्स को और भी डेवलप करने की सोची कि तभी फैंग को पता चलता है कि मिशिमा जायबात्सु कंपनी में गॉड स्क्रल रखा है, जो कि फैंग के पावर्स को डेवलप करने में मदद कर सकता है। अब इस गॉड स्क्रल को फैंग पाने के लिए गाइस, आपके कमेंट के बाद मैं इसका शॉर्ट में नाम नहीं लूँगा, किंग ऑफ द फर्स्ट आयरन मैन टूर्नामेंट 5 में शामिल होता है। टूर्नामेंट में फैंग का सामना असुका के फादर से होता है, जिसमें फैंग बहुत बुरी तरीके से असुका के फादर को मारता है। कुछ टाइम बाद किसी तरह फैंग गॉड स्क्रॉल को पाने में कामयाब हो जाता है। गॉड स्क्रॉल को पढ़ने के बाद फैंग की पावर काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और फैंग अपनी पावर का पहला यूज़ एक चट्टान पर करता है। अब कुछ टाइम बाद फैंग गॉड स्क्रॉल की पावर को और भी अच्छे से यूज़ कर सकता है और गॉड स्क्रॉल की पावर धीरे धीरे डेवलप होने की वजह से गॉड स्क्रॉल को ड्रैगन गॉड स्क्रॉल कहा जाने लगा है। और इसी के चलते अब फैंग ड्रैगन गॉड स्क्रॉल के जरिए मार्शल प्लेयर को चैलेंज कर रहा है। और इसी को देखते हुए एक चैलेंज मार्शल लॉ, जो कि अभी किंग ऑफ द फर्स्ट आयरन मैन टूर्नामेंट टैग टीम मैच में है, फैंग को एक चैलेंज देता है और फैंग भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए फाइट स्टार्ट करता है। पहले पहले तो लो की बहुत ज़्यादा पिटाई होती है, फाइट के बीच पॉल लो की मदद करने आता है और दोनों साथ मिलकर फैंग से लड़ते हैं। फाइट के बीच पॉल एक मूव मारता है, जिसके बाद पॉल और लो को लगता है कि हमने फैंग को हरा दिया, पर जब दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें फैंग की स्क्रॉल पावर से डर लगता है और वो वहां से भाग जाते हैं। Whoa!
ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो मैंने आप सबके कमेंट पर बनाया था, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलूँगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।